काली बाबा कहाँ 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 ज्यादा ज्यादा है वो वाला मछली जिंदा है ये वाला काटा माटा की नहीं ये तो काफी बढ़िया है ले लिए टमाटर और ये मछली मेरे हाथ में देखो नाना जी बोल रहे हैं ये वाला भी उसी में डाल देने के लिए ये देखिए अभी अभी हम लोग आए वहाँ से हाट करके हालांकि आज एक और हाट लगने वाला है अरे यहाँ हाट नहीं है हमेशा हाट है ये तो, मैंने डेली हाट है डेली हाट अच्छा दाम है यहाँ पे ज्यादा दाम है ना वहाँ माल बांधी आलू का दाम यहाँ 35 रुपया देखा अच्छा ये देखिए अब मार्केटिंग के बाद हम लोग गए घर और फिर घर में खाना वाना खा के अभी ये शाम शाम में निकले हैं खेत देखने के लिए अरे सुनिए नाना जी हाँ। अभी तो खेत का कटाई उटाई सब हो गया ना हाँ। कटाई हो गया बांधा भी हो गया एक छोटी बकरी है वो वाला किसका है ऊपर वाला नहीं नहीं ये वाला जो बांधा हुआ फकन लोग का ले गया था उनको छोड़ दिया अच्छा अच्छा ये वाला माने हम लोग वाला है अरे वाह तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 नाना जी अब काउंटिंग कर रहे हैं नाना जी वैसे काउंट करते करते एक बार भूल गए थे फिर दोबारा से काउंट किए नाना जी काउंटिंग हुआ ना नहीं काउंटिंग हो गया कितना हुआ आपका 104 मेरा भी 104 हुआ हाँ 104 हुआ वैसे हम भी एक बार भूल गए वहां तक पहुंचे ना फिर गिनती भूल गए हम इस बीच में खड़ा होकर यहाँ तक आए फिर हमको याद आया कि है पहले क्या चीज तो बोले हैं अभी क्या चीज तो फिर हम बोले नहीं शुरू करना होगा ठीक है ये वाला 104 माने अभी इसका आधा आधा हुआ नहीं है ना पूरा बन गया 104 हमको 50 में 52 माने आधा अच्छा ये लोग कभी वैसे एक ही दूसरा तो कम बेसी होगा और क्या होगा और वो वाला किसका बांधा हुआ है वो खोकन लोग का बांध करके खोकन जो बुलेट लाया था नहीं हाँ 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 वही बांध करके उसका दाम ले लिया अच्छा और वो अपना लेकर चल दिया चलिए और कहाँ है बोलिए ना अरे हम लोग का जमीन थोड़ा दूर दूर में है तुमको दिखाई देते लो चलिए इससे पहले जो आपने खेत देखा था ना वो दूसरे तरफ है ठीक है ये वाला एकदम ही दूसरे तरफ आए हैं हम लोग क्या डिंगा ऊपर नाम हाँ 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 गाँव में मतलब सबको इसको डिंगा ऊपर बोलते हैं डिंगा ऊपर इसलिए क्योंकि ये ना थोड़ा अप करके है तो इसलिए ये वो वाला जमीन है और इससे पहले के व्लॉग में जो आपने देखा वो नदी तरफ का जमीन है ये नदी तरफ का जमीन नहीं है वो देखिए वो जो आपको पेड़ उड़ दिख रहा है ना वो एक्चुअली हाईवे है तो ये इस तरफ का जमीन सब है ये देखिए कुछ कुछ लोग अभी काम भी कर रहे हैं ये देखिए आगे भी इस तरफ भी दो लोग काम कर रहे हैं अपने खेत में ये देखिए अभी कुछ दूर आने के बाद मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ वो देखिए वो वाला मीनार एक दफा मैं आ रहा था डोमजुड़ी के लिए तो ये मीनार को मैंने क्रॉस किया था ये मालबांधी तरफ है मैंने उधर भी एक हाट लगता है जगह का नाम है मालबांधी नाना जी पूरा कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि एक तो सामने वाला जमीन वो नाना जी को पता चल गया क्योंकि वो हर बार देखते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत साल के बाद आ रहे हैं तो वो खुद ही अपना जमीन खोज नहीं पा रहे हैं कि किधर है और एक जमीन वो ऊपर पर उसका जमीन बेड़ा वाला को ये समझ में नहीं आ रहा ना अच्छा ये वाला फिर भी कितना साल के बाद आ रहे हैं अरे ये जमीन को हमको कब आया था नौकरी के टाइम में मैंने आज से कम 20 साल पहले नाना जी आए होंगे और आज को आ रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा नाना जी बोल रहे हैं एक रास्ता था यहाँ पे वो रास्ता भी अब गायब है धान सबूज है ना वो एकदम आगे हाँ सबूज वाला है हाँ हाँ ये वाला मतलब वही होगा नहीं तो उसको ऊपर होगा दोनों भाग बड़ा के चलो तू देखेगा चलिए देखेंगे तो इधर से चलते हैं ना ये वाला हीड़ से जल्दी पहुँचेंगे क्या बोल रहे हैं अरे इसका कैसे धान हो गया इसमें बहुत कढ़ा कर बैठा है हुआ नहीं कि वही तो बात है नाना जी खुद देखने से समझ आएगा कि गड़बड़ मामला कहाँ है तो मालूम हमको मालूम नहीं पड़ता क्या बताएंगे हम लोग का बिल का वीडियो बनाएगा हाँ चलो चलिए नाना जी बोलते हैं हम लोग का बिल का बनाएंगे वीडियो दूसरा का नहीं देखते हैं वैसे नाना जी कब तक खोज पाते हैं अपना बिल देखिए इसमें तो ट्रैक्टर चला है क्योंकि ट्रैक्टर का टायर का निशान है यहाँ पे सब बना लिया अपना अपना कहाँ काम हाँ अब इसी निशान के आगे आगे हम लोग भी चल रहे हैं ये वाला बिल नाना जी को डाउट लग रहा कि शायद ये जो ग्रीन ग्रीन वाला बिल ये शायद है इनका देखते हैं अभी अच्छा हम लोग फाइनली यहाँ तक आए देखिए वो उस तरफ से होते हुए
और यहाँ से नाना जी जमीन को बहुत ज्यादा निहारे, लेकिन उनको फाइनली पता नहीं चला कि कौन सा उनका जमीन है। तो फिर फाइनली सोचे हैं कि जो लोग अभी खेती करते हैं उनका जमीन, उन्हीं के साथ आएंगे वो, और इसके बाद देख के जाएंगे कि कौन सा है उनका जमीन। अभी एक और जमीन की ओर हम लोग जा रहे हैं, वो वाला मैंने पहले पूछा कि आपको कंफर्म है तो मतलब आप देखे हैं ना, तो नाना जी हाँ बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। नाना जी बाकी आपको रोड के पास वाला जमीन पूरा याद था, और वो नदी साइड वाला जमीन भी आपको याद है, लेकिन इधर वाला नहीं याद है। इसको कभी हम आता नहीं, बहुत दिन थी इसीलिए ना। मेरा पिताजी था हाँ, उस समय बोलता गाढ़ा जमीन थोड़ा है ये वाला सब। मोकर में हम लोग उस समय धान काटा था इस साल। अच्छा, तो थोड़ा रघु साल धान हाँ नाम था, बहुत पीछे होता। अच्छा, तो धान बहुत। अच्छा, उस टाइम पे तो पानी उनी का कुछ खास व्यवस्था नहीं था, पानी इतना तक जलता था। अच्छा, गढ़ा जमीन बोल रहा ना। अच्छा, देखो ना, बीच में गढ़ा गढ़ा बहुत धान। लेकिन अभी जैसे नाना जी वो जो सेलो लो हो गया, उस टाइम पे तो वो सब कुछ नहीं था, बारिश का ही पानी से होता था। बारिश का पानी वहाँ से ऊपर मौजा बेंदा का पानी आता है यहाँ नाली से। अच्छा, ये वाला क्योंकि नीचे था इसलिए जमा होता था, भागता पानी। अच्छा, तो वही बीच में घुसता है तो पूरा भर जाता है। अच्छा, धान तो रघु साल धान देने से ना हाँ, ये बांस के जितना पानी होगा उस ऊपर बढ़ते रहेगा ऐसा। हाँ, धान जितना पानी, तब तो यहाँ के लिए बेस्ट था वो वाला, दिया था दूसरा। अच्छा, तो धान पानी बढ़ गया, धान बढ़ गया। हाँ, पानी कम हो गया, धान तो गिर जाता। अच्छा, बढ़ करके संभाल नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, गिर जाता। हाँ, गिर जाने से अगर पानी सूख गया हाँ, तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ऐसा धान नुकसान होता। अच्छा नाना जी, नॉर्मल धान और वो वाला धान में क्या अंतर है? वो थोड़ा पीछे होता, पानी ज्यादा खुनता। अच्छा, पानी का धान है वो। अच्छा, और ये थोड़ा कम धान से उसके गोड़ा में थोड़ा थोड़ा पानी होने से बच जाने से हो गया। अच्छा, इसमें तो ज्यादा पानी में खराब हो जाता है, ज्यादा पानी से गाती छोड़ जाएगा, और उसमें जितना ज्यादा पानी उतना उठेगा उठेगा। हाँ, वैसा धान है। अच्छा, वैसा धान चारा लेकर के दिया था। अच्छा, और हम लोग इतना धान कहा खुजना जाता, कहा देता है जिसको देता है बोलता हाँ, पानी उनसे खा गया हाँ, फिर पतला पतला हुआ कुछ देते हैं। अच्छा चलिए, इधर वाला जमीन नाना जी को पता चल गया, एक ये वाला है और एक वो आगे की ओर लेके जा रहे हैं, उधर एक है। अच्छा, वैसे ये हीड़ बड़ा ही भयानक है यार, यहाँ पे चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी तक भी काम कर रहे हैं, वो पहले वाले कुछ लोगों को जिनको मैंने आपको दिखाया था वो लोग चले गए, लेकिन ये लोग कुछ कुछ हैं जो काम कर रहे हैं, और इधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला और ये वाला ना। वाह, वो आगे का। अच्छा, ये तो मतलब हाईवे से बहुत नजदीक है ना नाना जी। ये हाईवे है ना? ये हाईवे तो बहुत दूर है। ओहो, ये गांव का ही रास्ता है। अच्छा, मुझे पहले लगा कि ये वाला हाईवे, ये हाईवे नहीं है, गांव वाला ही रास्ता है। हालांकि हाईवे से जितने भी ट्रक व्रक गुजर रहे हैं ना, उनका आवाज आ रहा है यहाँ तक, खाली है पूरा, इसलिए यही वाला ना। ये वाला मशीन का काटा हुआ है। अच्छा, एक हमको याद आता है, लेकिन उसको आता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, उसको फिर देख लीजिएगा। चलिए तब चलते हैं ना क्या? चलो। हाँ, चलो। हाँ, चलिए। नाना जी बहुत बुरी तरीके से थक गए, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ से डिस्टेंस में है जो अंदर का जो जमीन है वो सब, लेकिन हम लोग अब पहुँच ही गए हैं। ये देखिए, बाइक हमारी यहीं पे है। और नाना जी हाँ, पहुँच के ही कौन सा सीरियल देखिएगा? अरे चलो, महाभारत। हाँ, नाना जी को पहुँच के ही महाभारत देखना है, और मुझे भी पहुँच के ना लाल चाय पीना है, आज बड़ा तलब लग रहा है मुझे। अब हम लोग घर पहुंचते हैं, अभी तो 4:30 हो रहा है, 4:30 थोड़ा सा पार हुआ है, मतलब आराम से स्टार्टिंग से देख लेंगे महाभारत, 5 बजे से देता है डीडी नेशनल पे। यहाँ पे ध्यान से उठिए नाना जी, हमको हमको हाथ दीजिए। अरे घास का ही पकड़ रहे हैं, दीजिए हाथ दीजिए ना। अरे घास पकड़ लिया, चलो घास पकड़ के उठे। अब ये देखिए, फाइनली बाइक के पास पहुंच गए हैं, अब चलते हैं घर, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, है कि नहीं नाना जी? कोई बात नहीं, मत भूलो। क्या क्या करना मत भूलो, बोलिए। अरे सब्सक्राइब करना मत भूलो।